फाइनली दोस्तों मगध यूनिवर्सिटी बीए बीएससी बीकॉम नामांकन 2021 के लिए प्रथम मेधा सूची जारी कर दी गई है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप सभी अपना मेरिट लिस्ट कैसे डाउनलोड करेंगे और पासवर्ड आपको क्या डालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना कोई भी गूगल ब्राउजर ओपन कर लेना है और सर्च करना है kosistudy.com। आप देख लीजिए, आपको इसी तरीके से सर्च करना है kosistudy.com। इसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे kosistudy लेटेस्ट अपडेट में आपको एक लिंक मिलेगा मगध यूनिवर्सिटी यूजी मेरिट लिस्ट डाउनलोड 2021। ये लिंक बाद में नीचे जा सकता है, आप ढूंढ लीजिएगा और इसे ओपन कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर सभी प्रकार की जानकारी अपडेट की गई है और अभी अभी मेरिट लिस्ट अपडेट किया गया है। इसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप सभी को लगेगा इसके संबंध में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर देखिए MUUG फर्स्ट मेरिट लिस्ट रिलीज, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले हम आप सभी को नोटिफिकेशन दिखाना चाहेंगे, तो इसके लिए हम क्लिक हियर पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप सभी देख सकेंगे कि 21 से 24 में नामांकन के लिए इच्छुक उम्मीदवार जो भी ऑनलाइन आवेदन किए थे उसकी मेधा सूची विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर 20 सितंबर 2021 को जारी कर दी गई है और आप सभी नामांकन 30 सितंबर 2021 तक ले सकेंगे। यानी कि 30 सितंबर 2021 तक आप सभी को एडमिशन कन्फर्म करवा लेना है। अगर इसके बाद सीट बचती है तो द्वितीय मेधा सूची भी जारी किया जाएगा। लेकिन अगर आप इस मेरिट लिस्ट में नाम आने के बावजूद अगर नामांकन नहीं लेते हैं तो यहाँ पर देखिए पुनः आपके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि अगले राउंड से आप बाहर चले जाएंगे। अब दोस्तों मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली जो है यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है। यूजर आईडी और पासवर्ड आप सभी को ऑनलाइन आवेदन करते समय मिला होगा, आपके ईमेल पर भी होगा या फिर आपके मोबाइल एसएमएस पर भी होगा, आप एक बार चेक कर लीजिए। इसके बाद कैप्चा कोड डाल करके जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। या फिर अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, आपको अपना पासवर्ड याद नहीं है, तो यहाँ पर देखिए आप जो है पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं या उसके बाद आप जो है रीसेंट, यहाँ पर देखेंगे रीसेंट लॉगिन, तो यहाँ से जो है आप रीसेंट लॉगिन भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप रीसेंट लॉगिन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर देखेंगे आपको 10वीं क्लास का रोल नंबर डालना है, उसके बाद 10वीं क्लास किस वर्ष पास किया है, कौन सा बोर्ड था, ये सब डिटेल्स डालने के बाद आप कैप्चा कोड डाल करके जैसे ही गेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे आपका पासवर्ड रिकवर हो जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर, आपके ईमेल आईडी पर। तो आपको यहाँ पर वही वाला मोबाइल नंबर डालना है जो पहले आप डाल चुके हैं, तभी आपका पासवर्ड रिकवर होगा। उम्मीद करते हैं आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो आप सभी यहाँ से अपना मेरिट लिस्ट डाउनलोड कीजिए और चेक कीजिए कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। फाइनली दोस्तों मगध